देखो SHM के अंदर फोर्स ऑन दी पार्टिकल इज F1 विद ओमेगा वन. वो कह रहा है मैंने एक SHM पे फोर्स लगाई F1, तो वो ओमेगा वन से ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि T1 से ऑसिलेट कर रहा है. फिर वो कहता है कि मैंने फोर्स लगाई F2, तो वो ओमेगा टू से ऑसिलेट करता है. अगर मैं फोर्स लगाऊं F1 + F2, तो उसका ओमेगा या टाइम पीरियड क्या होगा, ये बताओ. पहले अलग अलग लगा रहा हूँ F1 F2, अब मैं लगाना चाहता हूँ F1 + F2, तो ओमेगा क्या होगा. और ये गिवन है, मास भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट वाई भी सेम है. एक एक करके करते हैं. पहले फर्स्ट SHM, पहली SHM में फोर्स F1 होगी क्या, मास इंटू एक्सलेशन. SHM में एक्सलेशन क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ओमेगा वन स्क्वायर वाई इंटू M1. और ऐसे ही F2 क्या होगा, मास इंटू एक्सलेशन. अब नई फोर्स क्या होगी, F1 + F2. F1 F2 की वैल्यू पुट कर दी, नई फोर्स में क्या पुट करेंगे, मास इंटू एक्सलेशन. एक्सलेशन में डिस्प्लेसमेंट वाई, और ओमेगा यहाँ, यहाँ ओमेगा वन, यहाँ ओमेगा टू, यहाँ ओमेगा. अब मास तो तीनों का सेम ही गिवन है, तो M1 M2 M जो भी है, एम 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 सेम, वाई भी सेम गिवन है, तो वाई 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 भी सेम, कैंसिल होके आंसर आ गया. तो एक तो ये आंसर आ गया. अगर टाइम पीरियड निकालना है तो इसकी जगह 2π/T1, इसकी जगह 2π/T2, इसकी जगह 2π/T. तो ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं कई ऑब्जेक्टिव, 1/T² = 1/T1² + 1/T2². तो कई बार वो कहेगा कि एक SHM 3 सेकेंड टाइम पीरियड है फोर्स F1 के साथ, 4 सेकेंड है F2 के साथ, तो F1 + F2 कितना टाइम पीरियड होगा. अब सीधा लगा देना 1/T² = 1/3² + 1/4² क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक. ठीक, तो ये यूज करेंगे फॉर्मूला. ये हमने कर लिया, दो स्प्रिंग किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, तो हम लगा लेंगे फॉर्मूला सीरीज का. ये भी कर लिया किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में. ये भी किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में. ये भी कर लिया, ये नहीं किया. इसके अंदर वो कहता है एक स्प्रिंग है और एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, रस्सी है जो इलास्टिक है. तो के गिवन है और यंग्स मॉडुलस गिवन है. कह रहा है टाइम पीरियड बोलो इस सिस्टम का क्या होगा. देखो अगर ये दोनों स्प्रिंग होते K1 K2, तो मैं सीरीज का फॉर्मूला लगाता, सीरीज का KS इज K1 K2 बाई K1 + K2. प्रॉब्लम ये है कि एक का स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया, एक का यंग मॉडुलस दे दिया. फिर वापस जाओ चैप्टर इलास्टिसिटी में, हमने किया था कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा L/L, फोर्स अपॉन एक्सपेंशन क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट. उस टाइम भी किया था, स्प्रिंग कांस्टेंट और वाई का फॉर्मूला रिलेशन निकाला था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके के आ गया इन टर्म्स ऑफ यंग मॉडुलस. तो अब मेरे क्वेश्चन में दोनों सीरीज में गिवन है, तो एक का स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है और दूसरा यंग मॉडुलस गिवन है, पर हमने यंग मॉडुलस को स्प्रिंग कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लिया वाई ए बाय एल. समझाया यहां तक कि अगर वाई गिवन है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से लगा लिया. तो बस ठीक है, K1 पता है, K2 पता है, K1 पता है, K2 पता है, KS आ जाएगा. टाइम पीरियड में T = 2π√M/KS में पूरा KS पुट करके आंसर आएगा. मेथड समझ में आ रहा है कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक यंग्स मॉडुलस है, तो क्या करना है, यंग्स मॉडुलस को किस में कन्वर्ट करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट में. फिर नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा ये. ठीक है यहां तक. ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत गलती होती है इसमें. देखो पहली गलती करके दिखाता हूं. सपोज करो एक पेंडुलम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाता है, ए एम्पलीट्यूड कवर करता है, टाइम टेकन कितना होगा, कैपिटल T/4. पूरे चक्कर का अगर टी है तो एक क्वाड्रेंट का T/4 हमने काफी बार किया. क्वेश्चन है कि Y/2 इसे और मिड पॉइंट पे जाना है, समय क्या लगेगा. बहुत लोग करेंगे T/4 का आधा, T/8, गलत नहीं है. तो आपको कहोगे फिर ये T/4 तक कैलकुलेशन कैसे चल रही है, एक चक्कर टी का, आधा चक्कर T/2 का, आधे से आधा T/4 का, फिर आधे से आधा T/8 का, यहां क्यों नहीं चल रही. तो याद रखना ये T/4 का शॉर्टकट मीन से एक्सट्रीम तक चलता है. इसके अंदर कोई भी अगर आपको टाइम निकालना है, आप कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकते, कैपिटल T/4 का आधा कर दूं, T/8 कर दूं, कुछ नहीं करना. पॉइंट समझ में आया, T/4 तक लास्ट है. तो क्या करना है, आपको Y = A/2 का टाइम निकालना है स्मॉल टी. आप इक्वेशन ही यूज करेंगे नॉर्मल जो हमने सीखी थी, Y = A sin ωt. आपको स्मॉल टी निकालना है, वाई की जगह A/2, ए से ए कैंसल, साइन थीटा हाफ कब होता है, 30 डिग्री. मैथ्स में 30 डिग्री का मतलब π/6. तो यहाँ से ओमेगा इज 2π/T, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से स्मॉल टी, T/12 आंसर है इसका. ये पॉइंट समझ में आया यहाँ तक, T/12 आंसर.
गलती हो सकती थी टी बाई एट से। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, सपोज करो टाइम निकालो जब कोई पेंडुलम ये वाला ए बाई टू कवर करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां जाने का टाइम कितना है, कैपिटल टी बाई ट्वेल्व, यहां से यहां का टाइम क्या है, टी बाई फोर, तो बचा हुआ टाइम क्या है, टी बाई फोर माइनस टी बाई ट्वेल्व। ये समझ में आया यहां तक, इसको माइनस करके क्या आएगा, टी बाई सिक्स। ठीक, अब कई लोग ऐसा नहीं करते, कई लोग कहते हैं ऐसा करते हैं, सेम क्वेश्चन कि आपने टाइम पूछा यहां से यहां आने का, पिछला हिस्सा ए बाई टू का, तो एक काम करते हैं पेंडुलम को स्टार्ट ही यहां से करते हैं। जब हम पेंडुलम को एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं तो वो लोग इक्वेशन ही चेंज करते हैं ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि एक्सट्रीम से जब पेंडुलम चलता है तो इक्वेशन क्या किस में चलती है, कॉस में। तो कहते हैं वाई इज इक्वल टू ए बाई टू पुट करो, कॉस थीटा हाफ का मतलब है पाई बाई थ्री, टू पाई बाई टी, आंसर टी, आंसर तो टी बाई सिक्स ही आएगा, चाहे मेथड नंबर वन से निकालो चाहे मेथड नंबर टू से। पर आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि अगर आपको अंदर के टाइम निकालने हैं टी बाई फोर से छोटे टाइम, तो आपको इक्वेशन ही यूज करनी है और कोई तरीका नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। ये हमने किया हुआ, रिपीट है क्वेश्चन। एक शॉर्टकट याद रखो, और अगर एक स्प्रिंग है और दो मासेज हैं, हमने एक स्प्रिंग और एक मास तो किया, एक स्प्रिंग और एक मास का टाइम पीरियड होता है टू पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। यहां पर एक स्प्रिंग है और दो मासेज हैं, एक स्प्रिंग है और दो मासेस है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला नोट करो, 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू बाय के, वेयर म्यू को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास ऑफ अ सिस्टम, रिड्यूस्ड मास का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास। तो म्यू का फॉर्मूला होता है m1 m2 बाय m1 प्लस m2। बस ये फॉर्मूला याद करो, हम प्रूफ नहीं करेंगे इसका। तो एक स्प्रिंग के साथ अगर दो मासेस हैं तो सीधा टाइम पीरियड इज t इज 2 पाई रूट म्यू बाय के, और म्यू की जगह पुट कर लेना m1 m2 बाय m1 प्लस m2। जैसे लगता कहां है, तो इसमें ये ऐसे लगेगा, वो कह रहा है कि सपोज करो दो मासेज हैं, एक ये मास है एक ये मास है, और ये एक स्प्रिंग है और ये दूसरा स्प्रिंग है सर्कल में, ऐसा m और m दो मास है, तो एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k है और दूसरा k है। सबसे पहले कह रहा है कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लो। आप मुझे एक बात, तो अगर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है तो ये k और k किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, एक ऊपर और एक नीचे, राइट right? तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा, 2k, राइट right? तो मैं ऐसा कर लेता हूं, चलो जैसे सपोज मेरे पास दो स्प्रिंग्स हैं, ये मास m है और ये एक स्प्रिंग है सर्कल की फॉर्म में कुछ ऐसे, और ये दूसरा स्प्रिंग है ऐसे, तो ये k और ये k, ये भी मास है। तो पहला क्वेश्चन है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लो, तो आंसर क्या आएगा, 2k, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो नया डायग्राम क्या बनेगा, m स्प्रिंग m और यहां पर 2k, क्योंकि दो स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग लगाएंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2k। अब कहेगा इसका टाइम पीरियड निकालो, तो टाइम पीरियड अभी सिखाया मैंने 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या, म्यू बाय 2k, क्योंकि एक स्प्रिंग दो मास है, तो म्यू की जगह क्या पुट करेंगे, m1 m2 बाय m1 प्लस m2, तो म्यू की जगह सॉल्व करके क्या आएगा, m by 2 is the answer, ये आंसर होगा। ठीक,